is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is UGC Night with Mamta Verma, and we were continuously doing the restoration AS. So restoration AS से हमने restoration जो dramatists हैं उनको start कर रखा है one by one करके. So last class में हमने जो John William Visserle and George Ithres है उसको complete किया था. Now जो next dramatist है he is very famous of restoration dramatist and great writer, playwright, poet. Okay, so he is best known for his comedy of manner. Comedy of manner के लिए जाने जाते हैं. That is William Congreve. So William Congreve है. इनकी जितनी भी comedy है, इसने mostly comedy लिखी है. एक दो tragedy लिखी है उसने. तो इसकी सारी जो comedies हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. कौन सी कॉमेडी उसको हम डिटेल में करेंगे, किसको अपर लेवल पे करते हैं, तो वन बाय वन करके करते हैं. चलो, सो विलियम कॉन्ग्रेव है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड. सो इसका टाइम पीरियड है 1670 टू 1729. ओके, एंड ही इज पोइट है, प्ले राइटर है, पोइट प्ले राइटर. ओके, पोइट प्ले राइटर, और ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ मैनर. ओके, कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए जाने जाते हैं. ठीक है, सो इसका फर्स्ट जो प्ले है, फर्स्ट प्ले है द ओल्ड बैचलर. जो पब्लिश हुआ था 1693 में. ओके, सो ये एक कॉमेडी है. एंड यू नो नीड टू गो इनटू डेप्थ, यू नो, एंड यू नो नीड टू रीड द समरी एंड ऑल ओवर. कुछ भी इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ आपको एक कैरेक्टर नाम याद रखना है जो एग्जाम में एक बार पूछा गया था. सो ओल्ड बैचलर कौन है इसमें? तो इसमें हार्टवेल है. Hartwell is the protagonist of story and he is an old bachelor. ये old bachelor है, just one minute भाई. Old bachelor है, सही है, ठीक है. Old bachelor की story आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. इतना important है कि एग्जाम में आता भी नहीं है story से. एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो ऑप्शन में कैरेक्टर देके हु इज ओल्ड बैचलर. ओके, तो यहाँ हार्टवेल है जो ही इज ओल्ड बैचलर. इस स्टोरी में क्या होता है कि यहाँ हार्टवेल है, ही प्रिटेंड्स टू यू नो ट्राई टू हेट द वुमेन. वो प्रिटेंड करता है कि वो वुमेन से उनसे नफरत करता है, बट एक्चुअल में ही लव्स ओलिविया. बट एक्चुअल में इसमें जो एक कैरेक्टर होती है उससे वो लव करता है. तो स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है इसमें जिसके नाम से ये कॉमेडी है ओल्ड बैचलर, उसमें प्रोटैगनिस्ट का नाम है हार्टवेल. ओके, सेकंड जो इसका प्ले है दैट इज डबल डीलर. द डबल डीलर. ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसका पब्लिकेशन 1694 में हुआ है और ये भी एक कॉमेडी है. ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसको बोला जाता है. सो द डबल डीलर है, इसमें थ्री और फोर कैरेक्टर है और एक शॉर्ट सी स्टोरी है जिसको हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले इसमें मास्कवेल है. मास्कवेल, ही इज डबल डीलर. ठीक है, ये जो पर्सन है वो है डबल डीलर. तो ये इंपॉर्टेंट है आपको. मे बी दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम कैरेक्टर्स का नाम देके कि हु इज डबल डीलर, फाइंड आउट. ओके, सो इसमें लॉर्ड टचवुड है. लॉर्ड टचवुड एंड लेडी टचवुड. लेडी टचवुड बोथ आर हस्बैंड वाइफ. ठीक है, एंड इसमें मेल फ्रेंड है. मेल फ्रेंड, ही इज द हियर ओनली हियर एंड नेफ्यू. नेफ्यू ऑफ लॉर्ड टचवुड. लॉर्ड टचवुड का ये नेफ्यू है. ठीक है, एंड एंड सिंथिया. सिंथिया
beloved of male friend. Okay, तो सिंथिया है ये मेल फ्रेंड की beloved है इसमें. बस यही फोर कैरेक्टर है जिसके चारों तरफ ये स्टोरी है वो घूमती है. ठीक है, तो यहाँ मास्कबेल है वो डबल डीलर है जिसके नाम से ही ये प्ले है. इज डबल डीलर. अब डबल डीलर किसको बोला जाता है, जो डबल मतलब डील करता है. मैं इसको आगे प्ले में एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, लॉर्ड टचवुड एंड लेडी टचवुड दे बोथ आर हस्बैंड वाइफ. ठीक है, एंड मेल फ्रेंड है वो लॉर्ड टचवुड का नेफ्यू है. एंड ही इज द ओनली हियर अकेला वाइस है लॉर्ड टचवुड की प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो ये वाइस है मेल फ्रेंड. नाउ सिंथिया है सिंथिया सी इज इंगेज टू मेल फ्रेंड. ये इसका जो लॉर्ड टचवुड का नेफ्यू है मेल फ्रेंड, इससे सिंथिया इंगेज है और मेल फ्रेंड है ये भी इससे मतलब लव करता है. तो स्टोरी क्या है, अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो लॉर्ड टचवुड है एंड लेडी टचवुड, ओके, सो दे हैप्पीली लिविंग इन देयर फैमिली. एंड नाउ लेडी टचवुड है ही लव्स टू मेल फ्रेंड. वो लॉर्ड मेल फ्रेंड मतलब जो नेफ्यू है लॉर्ड टचवुड का, उसको पसंद करती है, उसको लाइक करती है, यू नो, एंड सी लव्ड हिम, उसको लव करती है. बट वो क्या करती है, व्हेन शी केम्स टू नो अबाउट द यू नो लव अफेयर ऑफ मेल फ्रेंड एंड सिंथिया, जब उसको लव अफेयर के बारे में पता चलता है कि जो उसका जो नेफ्यू है सर लॉर्ड टचवुड का नेफ्यू मेल फ्रेंड है, ही इज इंगेज टू सिंथिया एंड ही लव टू सिंथिया. सिंथिया से वो प्यार करता है, ऑलरेडी उससे इंगेज है. देन सी ट्राई टू रूइन दैट रिलेशनशिप. वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस रिलेशनशिप को क्या करेगी, रूइन कर देगी, बर्बाद कर देगी. बिकॉज सी लाइक मेल फ्रेंड, सी लव्स मेल फ्रेंड, ओके, तो वो चाहती है कि वो उन दोनों को अलग कर दे. नाउ सी मेक ए प्लान विद मार्सवेल, ओके. सो मार्सवेल है ही हैज बीन हर ओल्ड लवर, मतलब उसका एक्स है. किसका एक्स है, लेडी टचवुड का लवर रह चुका है मार्सवेल. नाउ सी टेक्स द हेल्प ऑफ मार्सवेल, वो मार्सवेल की सहायता लेती है टू मेक ए प्लान अगेंस्ट हर बॉयफ्रेंड. नाउ मार्सवेल है ही इज आल्सो रेडी टू हेल्प यू नो लेडी टचवुड. सो वो क्या करती है, मार्सवेल है ही इज रेडी टू हेल्प एंड ही हियर ही प्ले द डबल एज द रोल ऑफ ए डबल डीलर. कैसे रोल प्ले करता है, वन साइड ही इज हेल्पिंग टू द लेडी टचवुड. व्हाई ही इज हेल्पिंग हर, बिकॉज ही वांट टू गेट सिंथिया फॉर हिमसेल्फ. क्योंकि सिंथिया को मार्सवेल पसंद करता है, ही आल्सो लव यू नो लव हर, सी वांट टू गेट मैरिड हर. सो यू नो सी लव्स हर, सो वो क्या करता है, ही बिकेम्स ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ मेल फ्रेंड. वो मेल फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है ओनली टू चीट सिंथिया फॉर हरसेल्फ. तो वो चीटिया को अपने लिए, सिंथिया को अपने लिए मतलब फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसको अपने पाने की कोशिश करता है. सो यहाँ डबल रोल प्ले कर रहा है, वन साइड ही इज हेल्पिंग टू लेडी टचवुड, ओके, ही बिकेम्स द फ्रेंड ऑफ मेल फ्रेंड ओनली टू फाइंड द सिंथिया फॉर हरसेल्फ, ओके. सो दिस इज हिज रोल दैट ही इज प्लेइंग इन दिस प्ले, डबल रोल जिसको बोला जाता है. नाउ व्हाट हैपेंड, ही मेक्स ए प्लान दैट ही विल क्रिएट ए डाउट ए सस्पेंस इन द माइंड ऑफ लॉर्ड टचवुड. वो लॉर्ड टचवुड की माइंड में एक ऐसा संदेह कुछ डाउट क्रिएट करेगा किसको लेकर. सो ही विल क्रिएट ए डाउट दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन मेल फ्रेंड एंड लेडी टचवुड. मतलब जो मेल फ्रेंड है और लेडी टचवुड है उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है. तो he is going to create this suspense into the mind of Lord Tashwood, okay, and on the other hand he is going to create the same doubt in the mind of Cynthia's father. Cynthia's ke father hai jo, uski mind mein bhi same doubt create karega kisko leke, ki there is something going on between Melfind and Cynthia's mother, okay. Now he becomes successful in this plan, this plan mein wo successful ho jata hai. And when Lord Tashwood came to know about that there is something going on with his wife and his nephew, तो वो क्या करता है, he disinherited Melfind from his property. क्योंकि वो only वारिश होता है Lord Tashwood का, तो वो क्या करता है, उसको Melfind को अपनी property से बेदखल कर देता है. But later all are exposed. But later expose हो जाता है when he listens the conversation between Maxwell and Lady
टेक्सटबुक। सो वो उससे पहले वो जब उसको पता चलता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मतलब उसका नेफ्यू और उसकी वाइफ के बीच में कुछ चल रहा है, देन ही अलाउज मास्कवेल टू गेट मैरिड विद सिंथिया। उसको पता है कि मास्कवेल है, ही लव्स टू सिंथिया, तो वो उसको अलाउ करता है कि तुम सिंथिया से मैरिज कर लो। बट बाद में जब सब कुछ एक्सपोज हो जाता है, ही लिसंस द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज बिटवीन मास्कवेल एंड हिज वाइफ लेडी टचवुड, देन ऑल आर एक्सपोज्ड एंड नाउ ही स्टॉप टू मैरी यू नो मास्कवेल टू विद सिंथिया। नाउ मास्कवेल को रोकता है कि सिंथिया से शादी ना करे एंड ही अलाउज हिज नेफ्यू टू मैरी विद सिंथिया, और अपने खुद का नेफ्यू जो मेलविन है उसको अलाउ करता है, और लास्ट में दे बोथ गेट मैरिड। ओके, तो स्टोरी यही कंप्लीट हो जाती है, और लास्ट में क्या होता है, मेलफेंट है वो सिंथिया से शादी कर लेता है। सो दिस इज द स्टोरी, नॉट सो लॉन्ग, ओके, और वेरी सिंपल स्टोरी है। तो कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है, द कैरेक्टर लॉर्ड टचवुड एंड लेडी टचवुड बिलोंग टू विच प्ले, ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो मे बी दे कैन आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम, that who is the double dealer, you know, characters के नाम देके वो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि हाँ who is the old bachelor, ठीक है, तो वैसे इसमें double dealer भी पूछ सकते हैं। तो Maxwell को आपको याद रखना है, he is playing as the role of double dealer in this comedy, ठीक है। So that's all about these two comedy. Next जो हमारी two comedies बचते हैं, जिसमें first tragedy है and the mourning bride, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद है द कंट्री वाइफ, कंट्री वाइफ तो विलियम कॉन्ग्रीव जिसके लिए जाने जाते हैं वो है कंट्री वाइफ, ओके। सो इसको तो हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। सो आज की क्लास में दैट्स इनफ।